नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आपको बता दें कि फोर्थ पिलर की टीम लगातार आपको गांव का हाल दिखा रही है, साथ ही साथ प्रधान जी से भी बात कर रही है कि क्या कार्यकाल में कितना उन्होंने काम करवाया अपने कार्यकाल में, साथ ही विगत 2 वर्ष बचे हुए हैं, क्या कुछ कार्य बचा हुआ है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से हम गाँव वासियों से भी बात कर रहे हैं, वो भी उनसे भी जानने की क्या कितना बदलाव आया है गाँव में। और हमारे साथ यहाँ पे ग्राम प्रधानपति हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है रवि जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या कितना कुछ कार्य हुआ है, क्या कुछ बचा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। रवि जी, पूरा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त अपने चैनल के माध्यम से समस्त गाँववासियों और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। ग्राम सभा मंदिरपुर रविशंकर प्रसाद सोनकर प्रधान प्रतिनिधि जी, और अपने इस चैनल के माध्यम से ग्राम सभा के अपने समस्त क्षेत्रवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। रवि जी, आपसे यह जानना चाहेंगे, विगत 2.5 साल हो गए हैं प्रधान बने हुए, आपकी पत्नी यहाँ से प्रधान है इस गांव से बंदेपुर से, साफ तौर पे कि आपसे यह जानना चाहेंगी कि क्या कुछ कार्य अभी तक हुआ है क्षेत्र में, गाँव में, अपने ग्राम सभा में विकास के क्षेत्र में रोड, भूमिगत नाली, रिबोर, बिल्डिंग मरम्मत और कायाकल्पों का काम किया गया है जी। जिस तरह से अगर बात की जाए तो अगर योजनाओं की बात की जाए तो सरकारी योजनाओं का क्या आपके ग्राम में लाभ मिल पा रहा है लोगों को? नहीं, सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है हमारे समस्त ग्रामवासियों को, उसमें आवास से लेकर पेंशन से लेकर जो भी योजनाएं ग्राम सभा में आती है सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं दिया जाता है वो अपने ग्राम सभा में मिलता है और लागू होता है जी। आवास की बात की जाए तो कितने आवास आपके यहाँ आए हुए हैं? हमारे कार्यकाल में अभी तक आवास 20 लमसम लगभग में 20 आवास लाभार्थियों को प्राप्त हुए हैं जी। शौचालय, शौचालय भी 15 से 20 लोगों को शौचालय भी प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगर बात की जाए बाकी योजनाओं की तो पेंशन जैसी योजनाएं जो है वो अभी तक कई लोगों को नहीं मिल पाता है कई ग्राम में, आपके ग्राम में क्या स्थिति है? पेंशन के लिए विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन, ये हमारे ग्राम सभा में वंचित नहीं है, लाभार्थियों को लाभ मिलता है और हमारे कार्यकाल में अधिक से अधिक पेंशन का काम करवाया गया जिसे लाभार्थी है जी। जैसे जी, तो क्या कुछ फिर से आपसे जानते हैं क्या कार्य, क्या क्या चीजें आप अपने गांव में करवा जो पहले नहीं था और अभी बदलाव हुआ है? हमारे यहाँ ग्राम सभा में अभी प्रपोजल में जो है कि स्वच्छता मिशन सरकार के द्वारा मनसा द्वारा चलाया गया स्वच्छता मिशन पे अभी WSLM का काम चलने वाला है जी, चलेगा भी और नेक्स्ट में 2-4 दिन में जो ही सब काम शुरू हो जाए। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ अभी बारात घर के लिए प्रपोजल नहीं था, बारात घर बनने के लिए प्रपोजल तैयार किया गया है, नेक्स्ट 2-4 दिन में काम जो है कि बारात घर के लिए चलेगा। और जो भी योजनाएं अपने यहाँ खास करके आता रहेगा और लेकर काम करने का हम काम करेंगे। देखिए, सुनने में भी आया है कि आपके ही गांव से जो लाभार्थी हैं वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं, तो उन्हें क्या लाभ मिला? हमारे सरकारी योजना के बारे में हमारे के प्रधानमंत्री जी से, हमारे ग्राम सभा के एक अर्चना पटेल लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में लाभार्थी हुई और पूरे ब्लॉक से उन्होंने चयनित होकर प्रधानमंत्री जी से पूरे दिल और उत्साहित से मिलने का काम किया उन्होंने जाकर और उनको बुलाया गया। देखिए, गाँववासी हैं वे आते हैं होंगे आपके पास, क्या कुछ समस्या अभी आपके पास रखते हैं? जो भी समस्या रखते हैं अधिक से अधिक उस समस्या में, जैसे लोगों के लिए रोड रास्ते की समस्या है, जितना ग्राम सभा में हमारे बजट का काम होता है उसमें से रोड समस्याएं जो है कि रोड के लिए समस्या निदान करने का काम कर रहे हैं अलग से, और फंडों द्वारा हमारे यहाँ भी काम रास्ते के लेकर सड़कों के लेकर काम कराया गया है, जैसे क्षेत्र पंचायत हुआ, जिला पंचायत हुआ, PWD विधायक निधि से भी काम हमारे यहाँ रास्ते पर काम कराया गया है, आगे जैसा भी बजट आता रहेगा वैसे रास्ते के लिए काम करवाते हैं। देखिए, गांव में अगर बात की जाए लोग ज़्यादातर पानी निकासी की समस्या से बहुत गुजर रहे हैं और साथ ही पानी की समस्या से भी उन्हें पानी भी नहीं मिलता है शुद्ध पानी पीने के लिए, क्या कार्य करवाया अपने आपने, आपके गाँव में क्या स्थिति? पेयजल के लिए, पानी के लिए हमारे ग्राम सभा में प्रधानमंत्री के मंशा अनुसार जो है कि हमारे ग्राम सभा में जल निगम का जो है कि पानी टंकी का स्थापना किया गया है, जिसमें 70% काम हो चुका है, 30% काम बाकी है, काम अभी रनिंग पर है, काम चल रहा है, सरकार के मंशा अनुसार जो है कि काम जो है कि जल्द ही पूर्ण करा लिया जाएगा, जिससे कि जनता को पानी पीने के लिए कठिनाई का झेलना नहीं पड़ेगा और कूड़े
की जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान गांव में चलाया भी जा रहा है, कितना आपके गांव में काम हुआ स्वच्छता पे? स्वच्छता अभियान में अभी तक WSLM में जो भी काम हुआ आया हुआ है उस पर नेक्स्ट में 2-4 दिन में हम काम चालू करवाएंगे और उसके बाद में जो भी उनका प्रपोजल रहेगा वो तैयार कर लिया गया है, आगे काम करने का तैयारी जी। विकास की बात की जाए तो आपके गांव में तो विकास देखने को मिल रहा है, पर कई लोग हैं कि जो अभी भी कई लाभार्थी बचे हुए हैं, कई योजनाओं का लाभ वो नहीं उठा पा रहे, उनके लिए आगे आपने क्या सोचा? जैसे भी हमारे भी ग्राम सभा में लाभार्थी जैसे बचे हुए हैं, जो भी पात्र श्रेणी में जिस योजना के पात्र में रहेंगे उनको पात्रता के श्रेणी में देखते हुए उनको लाभ दिया जाएगा और योजना आने पर उस योजना का उनको काम किया जाएगा जी। जैसे आपका कार्यकाल अभी 2-2.5 साल बचा हुआ है, क्या कुछ अभी और कुछ करना है बाकी है आपको? हमारे ग्राम सभा में जो भी करना रहेगा, जिससे हमारे ग्राम सभा की जिस तरीके के जिस अवधि में बजट रहेगा और जिस फंड से हमको लाभ मिलता रहेगा और ऊपर से हमको सहायता राशि मिलती रहेगी, उस तरीके का हम काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने ग्रामवासियों? मैं अपने ग्रामवासियों के लिए सब सुख और शांति की रहने का प्रतीक देता हूँ कि जैसे भी हैं शांतिपूर्वक रहें और शांति का परिचय दें, अच्छे विकास के लिए सहयोग करें, अच्छे विकासों में हाथ बटाने का काम करें जी। शुक्रिया। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे, बंदेपुर में हैं हम इस वक्त मौजूद, और रवि सोनकर जी से बात कर रहे थे, प्रधानपति हैं, सुमन सोनकर यहाँ की प्रधान है, और साफ तौर पर विकास कार्यों की बात की जाए तो सीवर्स की समस्याएं हैं, रोड की जो समस्या है वो उसका तो निवारण प्रधान जी करवा रहे हैं, साथ ही साथ उनका यही कहना है कि जो भी समस्या जो भी लाभार्थी हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाया है योजनाओं का, उन्हें वो जल्द से जल्द वो सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का पूरी कोशिश करेंगे और उसे उपलब्ध कराएंगे। कैमरा पर्सन के साथ सोनाली पाटवा, फोर्थ पिलर न्यूज़। हाँ,